अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापसी नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। Yes, I'm talking about the hitman रोहित शर्मा। गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। भाई साहब, ये शौक बहुत बड़ी चीज होती है और कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। इनफैक्ट आबू धाबी के ऑयल मिलियनेयर शेख को देख के तो ऐसा ही लगता है, इस बंदे ने प्योर वाइट गोल्ड मर्सिडीज ऑर्डर की। मतलब अब सोचो, प्योर वाइट गोल्ड की बनी हुई मर्सिडीज जिसे 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस मर्सिडीज के अंदर इतना पावरफुल इंजन लगा हुआ है कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 2 सेकंड में पूरी कर लेती है। ओह माय गॉड। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है? CE, confusion everywhere। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूँ। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये एंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो 2 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलीडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब इस सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलीडे हो जाता है। Yes, I'm talking about थलाइवा रजनीकांता। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती है? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।